गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का वीडियो लेक्चर 11th है। लास्ट लेक्चर में हम टाइप ऑफ रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने बताया था कि रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट को कार्डिनालिटी कॉन्स्टेंट कहते हैं और दूसरे को पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कार्डिनालिटी कॉन्स्टेंट को फिनिश कर दिया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट को फिनिश करूंगा। तो जिन लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स देखते हैं कि ये क्या होता है। तो पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स जो है इट डिफाइंस द लीस्ट नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस इन विच एन एंटिटी मस्ट कंपल्सरली पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स क्या होता है कि जब हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जब हम डेटाबेस की लॉजिकल डिजाइनिंग करते हैं, तो एंटिटी का एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं, यानी कि टेबल नेम के बीच में हम रिलेशनशिप दिखाते हैं कि उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। 1-to-1 का रिलेशनशिप है, 1-to-many का रिलेशनशिप है, या फिर 1-to-many का है, या फिर 1-to-many का रिलेशनशिप है। तो ठीक उसी तरीके से पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट में क्या होता है कि एक रिलेशनशिप को दिखाने के लिए कम से कम दो एंटिटी उसमें पार्टिसिपेट कर रही हो, दो टेबल के नाम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होने चाहिए। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप में दो एंटिटी जब पार्टिसिपेट करते हैं तो दोनों एंटिटी के अंदर जो रिकॉर्ड होते हैं तो वो दोनों एंटिटी के रिकॉर्ड आपस में रिलेशनशिप जरूर एस्टेब्लिश कर रहे होने चाहिए। कम से कम एक रिकॉर्ड तो आपस में जरूर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे होने चाहिए, तो उसी को पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो ये आगे के एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स। पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक को टोटल पार्टिसिपेशन बोलते हैं और दूसरे को पार्शल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। तो देखते हैं कि टोटल पार्टिसिपेशन क्या है और फिर देखेंगे कि पार्शल पार्टिसिपेशन क्या है। टोटल पार्टिसिपेशन देखते हैं कि टोटल पार्टिसिपेशन क्या होता है। तो टोटल पार्टिसिपेशन इज व्हेन ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट ओकर्स इन एटलीस्ट वन रिलेशनशिप। तो ये कह रहा है कि एक रिलेशनशिप में, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट एंटिटी है और कोर्स एंटिटी है, तो स्टूडेंट एंटिटी और कोर्स एंटिटी जो है इच एंटिटी एक रिलेशनशिप में जो है पार्टिसिपेट जरूर कर रहा होना चाहिए, तो उसको टोटल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट एंटिटी है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे कोर्स एंटिटी है, तो स्टूडेंट एंटिटी में से कम एक आईडी वाला स्टूडेंट कम से कम कोर्स एंटिटी में एक कोर्स को जरूर कर रहा होना चाहिए। तो जब ऐसे करते हैं तो कम से कम जो है एक रिकॉर्ड का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है, तो इसी को टोटल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। इसमें भी फिर हम देखते हैं कि दोनों एंटिटी में से कंपल्सरली दोनों एंटिटी में से कौन सा एंटिटी कंपल्सरली पार्टिसिपेट कर ही रही है। तो अगर कंपल्सरली एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको डबल लाइन से इंडिकेट किया जाता है, और जो कंपल्सरली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है उसको सिंगल लाइन से जो है इंडिकेट किया जाता है। तो एंटिटी फुल्ली पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप इंडिकेट बाय डबल लाइंस ड्रोन फ्रॉम एंटिटी टू रिलेशनशिप। तो जो एंटिटी फुल्ली पार्टिसिपेट करती है रिलेशनशिप में उसको इंडिकेट किया जाता है डबल लाइन से, तो ये डबल लाइन से इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे फुल्ली पार्टिसिपेट का मतलब क्या है कि स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट एक हो या एक से ज़्यादा हो, वो कम से कम एक कोर्स को तो लेंगे ही लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंपल्सरली फुल्ली जो है पार्टिसिपेट कर रहा है।
बट कोर्स नाम के एंटिटी में कोर्स जो है तो कोई ना कोई एक कोर्स ऐसा हो सकता है जो कोर्स कोई ले ही ना, वो कोर्स खाली ही पड़ा हो, तो ये कोर्स जो है वो कंपल्सरली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो इस केस को हम टोटल पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल नीचे देखते हैं, डबल लाइन बिटवीन द एंटिटी सेट स्टूडेंट एंड रिलेशनशिप सेट एनरोल्ड इन सिग्निफाइज टोटल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर डबल लाइन जो है, यहाँ पर स्टूडेंट जो एंटिटी है इसको टोटल पार्टिसिपेशन बोलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो है कम से कम एक भी स्टूडेंट है तो वो कोर्स को तो लेगा ही लेगा, तो स्टूडेंट कंपल्सरली जो है दूसरे एंटिटी में कोर्स नाम के एंटिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको टोटल पार्टिसिपेशन बोलेंगे। तो इट डिफाइंस सॉरी इट स्पेसिफाइज दैट इच स्टूडेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन एटलीस्ट वन कोर्स। तो स्टूडेंट को टोटल पार्टिसिपेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट एंटिटी में जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, वो कम से कम एक कोर्स को तो जरूर लेगा, और कोर्स टेबल के अंदर कोई ना कोई एक कोर्स ऐसा होगा जो कोर्स वो खाली पड़ा होगा, कोई उसको नहीं ले रहा होगा, तो कोर्स एंटिटी यहाँ पर कंपल्सरली या फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो इसको टोटल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। पार्शल पार्टिसिपेशन देखते हैं कि पार्शल पार्टिसिपेशन क्या होता है। तो पार्शल पार्टिसिपेशन इज ऑल एंटिटीज डू नॉट इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है कि एक रिलेशनशिप में जब दो एंटिटी इन्वॉल्व करती है, जब दो टेबल नेम इन्वॉल्व करते हैं, तो दोनों टेबल नेम या दोनों एंटिटीज जो है या ऑल एंटिटीज जो है वो जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ही करे, तो उसको पार्शल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। तो एंटिटी पार्शियली पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप इंडिकेट बाय सिंगल लाइंस ड्रोन फ्रॉम एंटिटी टू रिलेशनशिप। तो वो एंटिटी जो पार्शियली जो कंफर्म है कि वो पार्टिसिपेट कर भी सकती है या कंफर्म है कि वो पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकती है, तो ऐसे एंटिटी को पार्शियली पार्टिसिपेट करना बोलते हैं। तो जो एंटिटी पार्शियली पार्टिसिपेट करते हैं रिलेशनशिप में उसको इंडिकेट किया जाता है सिंगल लाइन के द्वारा। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि स्टूडेंट टेबल के अंदर जो है कितने भी स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट कम से कम एक कोर्स तो लेगा ही लेगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है फुल्ली पार्टिसिपेट कर रही है कोर्स नाम के टेबल में। बट कोर्स नाम के टेबल में बहुत सारे कोर्स है, तो कोई एक कोर्स ऐसा भी हो सकता है जिसको कोई भी स्टूडेंट ना ले, वो कोर्स ऐसे ही खाली पड़ा रहे, तो वो कोर्स जो खाली पड़ा हुआ है उसको स्टूडेंट ले भी सकते हैं और उसको स्टूडेंट नहीं भी ले सकते हैं, तो उस कोर्स को यहाँ पर हम कहेंगे कि पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे कोर्स नाम का जो एंटिटी है वो पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहा है स्टूडेंट नाम के एंटिटी में, तो इसलिए कोर्स नाम के एंटिटी को जो पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहा है उसको सिंगल लाइन से यहाँ पर दिखाया गया है। तो सिंगल लाइन बिटवीन द एंटिटी सेट कोर्स एंड रिलेशनशिप सेट एनरोल्ड इन सिग्निफाइज पार्शल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर जो ये सिंगल लाइन है एंटिटी सेट कोर्स और रिलेशनशिप सेट एनरोल्ड के बीच में जो ये सिंगल लाइन है इसको पार्शियली पार्टिसिपेशन मतलब कहते हैं। तो कोर्स एंटिटी जो है वो पार्शियली स्टूडेंट एंटिटी में जो है पार्टिसिपेट कर रही है। तो इट स्पेसिफाइज दैट देयर माइट एग्जिस्ट सम कोर्स फॉर विच नो एनरोलमेंट्स आर मेड। तो ये स्पेसिफाई करता है कि कोई ना कोई कोर्स तो ऐसा होगा जिसके लिए कोई एनरोलमेंट नहीं हुई होगी, यानी कि जिसको किसी स्टूडेंट ने उस कोर्स को नहीं लिया होगा, तो इसी को पार्शल पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में ये टॉपिक इतना ही था। तो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का ये जो लेक्चर है हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए।